हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं कक्षा के कंपार्टमेंट वाले प्रशिक्षार्थियों से वसूली जा रही फीस पर विरोध किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एबीवीपी ने कंपार्टमेंट के प्रवेश पत्र भरने से वंचित रहे स्टूडेंट को राहत देने की मांग उठाई, जिस पर बोर्ड प्रशासन ने 10वीं व 12वीं के कंपार्टमेंट के प्रवेश पत्र भरने से वंचित रहे प्रशिक्षार्थियों से सुविधा को देखते हुए इसकी तिथि को 10 दिसंबर कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट वाले परीक्षार्थियों से वसूली जा रही 2450 रुपए की फीस पर विरोध जताया जा रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एबीवीपी ने कंपार्टमेंट के प्रवेश पत्र भरने से वंचित रहे स्टूडेंट्स को भी राहत देने की मांग की है, जिस पर बोर्ड प्रशासन ने 10वीं व 12वीं की कंपार्टमेंट के प्रवेश पत्र भरने से वंचित रहे परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु इस तिथि को अब 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया है और फीस शेड्यूल जो वर्तमान में है उसे ही रखा है। यानी कि 10 दिसंबर तक प्रवेश पत्र भरने वाले परीक्षार्थियों के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि एबीवीपी के छात्र एक ज्ञापन लेकर आए थे कि बोर्ड ने जो कंपार्टमेंट या रीअपेयर की जो फीस बढ़ाई है उसे कम किया जाए। रिकॉर्ड चेक करके उन्हें बताया गया कि किसी भी तरह की फीस नहीं बढ़ाई गई है। जो फीस और लेट फीस शेड्यूल 2018 में था उतना ही फीस ली जा रही है। एबीवीपी ने मांग रखी थी कि कई स्टूडेंट्स ने अभी कंपार्टमेंट के प्रवेश पत्र नहीं भरे हैं, जिस पर अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि उस फीस यानी कि 2450 रुपए के आधार पर ही उन्हें 10 दिसंबर तक प्रवेश पत्र भरने की छूट दी जाए, जिससे बच्चे सुविधा अनुसार अपना प्रवेश पत्र ऑनलाइन भर सकें। एबीवीपी के जिला संयोजक अभी राणा ने बताया कि बोर्ड द्वारा कंपार्टमेंट परीक्षाओं की फीस समय समय पर बढ़ाई जा रही है। उनकी मांग है कि फीस ना बढ़ाई जाए तथा प्रवेश पत्र भरने की तिथि बढ़ाई जाए। बोर्ड के चेयरमैन ने हमारी कंपार्टमेंट परीक्षा की प्रवेश पत्र भरने की तिथि को 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इसमें स्कूलों की खामी नजर आ रही है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन बच्चों को सही जानकारी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट प्रवेश पत्र भरने में लेट हो रहे हैं। जो बोर्ड के कंपार्टमेंट परीक्षा वालों के टाइम वाइज टाइम जो फीस बढ़ाई जा रही थी, जो फीस जो पिछले साल से वही चली थी, जो 2450 थी, जो जैसे पहले 450 थी, उसका कुछ समय बाद वो 1000 एक्सटेंड करके, थोड़े दिन बाद एक्सटेंड करके वो फीस बढ़ाई जा रही थी। पर जो आज हमारा ज्ञापन इसलिए था कि उस फीस को आगे ना बढ़ाया जाए, वो जो डेट है हमारी जो एक्सटेंड की जाए, जिसमें जो आज हमारे जो एचपी बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने इस हमारी बात को ध्यान में रखते हुए जो डेट है इसकी जो 10 दिसंबर तक कर दी गई है, जिससे अब छात्र जो है वो अब पेपर 10 दिसंबर तक भर सकते हैं। इसमें जी सबसे बड़ी खामी हम स्कूल की देख सकते हैं। स्कूल वाला जो जितने भी स्कूल के प्रबंधन है वो बच्चों को सही तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, जिससे कई बार वो स्कूल वाले अपना इस बात को बोलकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि स्कूल का जो वेबसाइट लिंक है एचपी बोर्ड का वो नहीं चल रहा है। वो ऐसी कई दिक्कतें बच्चों को बोल रहे हैं कि वो उनके कंपार्टमेंट की परीक्षाएं नहीं भर जा रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपने कंपार्टमेंट की परीक्षा नहीं भर पा रहे थे और वो लेट फीस देने में मजबूरन उनको लेट फीस देने पड़ी है। तो आज इसके लिए हमारा जो ज्ञापन सुरेश कुमार सोनी जी को चेयरमैन साहब को हमने दिया और उन्होंने इसके लिए जो हमारा ज्ञापन जो संज्ञान था आज उन्होंने इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय भी आज ही ले लिया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।